टिकट कटने से नाराज एक नेता गांधीगिरी पर उतर आए हैं। मामला हिसार जिले के नारनून विधानसभा क्षेत्र के जुड़ा है, जहां जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पूर्व विधायक राम कुमार गौतम को उतारा गया है, लेकिन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथी रहे उमेद सिंह लोहोन को पार्टी का यह फैसला पसंद नहीं आया और उन्होंने गांधीगिरी शुरू कर दी। आज नारनून हल्के के ही सबसे बड़े गांव सियाज के बस स्टैंड पर ताऊ देवीलाल की प्रतिमा के साथ एक सद्बुद्धि यज्ञ किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उमेद सिंह लाहौन के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस यज्ञ के बाद उन्होंने वहां उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि इस परिवार के लिए मैं हमेशा वफादार हूं, लेकिन पार्टी के सर्वे सर्वा विचारधारा से विपरीत लोगों को टिकट थमाकर हल्के और प्रदेश की जनता का अनादर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज का यह यज्ञ जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो की सद्बुद्धि के लिए किया गया है, ताकि वो जन विरोधी फैसले ना ले। उमेद सिंह लाहौन ने टिकट बंटवारे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसे फैसले से मौका पर लोग ही लाभ उठाते हैं। जेजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने और चुनाव लड़ने के सवाल पर उमेद सिंह लाहौन ने कहा कि फैसला उनके कार्यकर्ताओं को लेना है और अभी तक इस तरीके की कोई बातचीत नहीं है। आज जिस तरह के फैसले जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो द्वारा लिए जा रहे हैं, उनके प्रति सांकेतिक विरोध प्रकट करने के लिए और परमपिता परमेश्वर से ये अरदास करने के लिए कि उनको सद्बुद्धि दें, ताकि संगठन का, प्रदेश का और किसानों का भला उसके, और अवसरवादी तत्व हैं वो इस संगठन से, इस पार्टी से दूर रहें। चुनाव का समय है, गलत निर्णय पूरे संगठन को, सारी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये जो यज्ञ किया गया था सद्बुद्धि देने के लिए, वो विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमारे ऋषि मुनि कहते थे अक देवी देवता है नहीं, जिसका नाश करना हो नहीं उसके पीछे डंडा लेके नहीं घूमते, उसकी बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। तो आज यही प्रार्थना की गई है कि परमात्मा सद्बुद्धि दे, और चौधरी देवीलाल के चरणों में बैठ के ये सारा आयोजन किया गया है, ताकि वो भी स्वर्ग से अपना संदेश पहुंचाएं कि मेरी नीतियों को इस तरह अपने पैरों तले रौंदने का काम नहीं करें। अब भी आपको उम्मीद है कि जेजेपी टिकट बदल के आपको उम्मीदवार बनाई जाएगी? नहीं नहीं, अभी उम्मीदवार को ये मुद्दा नहीं है, न मैं जेजेपी से कोई उम्मीदवार बनना चाहता हूँ। ये तो एक आवाज़ थी हरेक कार्यकर्ता की, पूरे हरियाणा प्रदेश से, पूरे जिले से, हरेक नेता की थी, लेकिन कोई अपने मन की बात नहीं कह पा रहा था, क्योंकि सबको जलील किया जाता था स्टेजों पे, जिन नेताओं के सदा नारे लाए हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हमेशा उनको मान सम्मान देते रहे हैं, उन नेताओं के बारे में अपशब्द बोले जाते थे और घुट घुट के कार्यकर्ता इन चीज़ों को सहन करने का काम करते थे। जो सम्मेलन बुलाया, इसके पीछे सम्मेलन नहीं था, आज ये सम्मेलन नहीं था, ये सद्बुद्धि यज्ञ था। राजनीतिक कोई बात करनी होती तो हम रैली, धरना, जुलूस, इस तरह का काम करते। आज तो सिर्फ जो मकसद यहाँ लिखा गया है उसी मकसद के लिए साथी इकट्ठे हुए। अब आगे आगे का भविष्य का क्या निर्णय है? आगे भविष्य का जो निर्णय है वो सारे साथी आए हुए थे, जो भी विचार विमर्श करके जो भी वो आदेश देंगे वही होगा। सिसाय को मैंने इसलिए चुना, सिसाय हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा गांव है। चौधरी देवीलाल इस गांव को अपना गांव मानते थे, इस गांव ने हमेशा चौधरी देवीलाल का साथ देने का काम किया है। चौधरी देवीलाल की प्रतिमा पूरे विधानसभा क्षेत्र में सिसाय गांव में है, हम इनके चरणों में बैठ के सिसाय गांव के लोगों को साथ लेके इस यज्ञ का आयोजन करना चाहते थे, ताकि ये जो गाँव है जिसने हमेशा धर्म है धर्म की लड़ाई में, न्याय न्याय की लड़ाई में धर्म और न्याय का साथ दिया है, ये लोग खड़े हों और ऐसे फैसलों का बहिष्कार करें। जी कयास लगा जा रहे हैं इसकी, लोहान कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं? कयास तो राजनीति में हर तरह के लगते रहते हैं, हर एक व्यक्ति के बारे में लगते रहते हैं, अभी ऐसी कोई बात नहीं। कि कांग्रेस पार्टी का टिकट देगी तो चुनाव लड़ोगे? ये तो काल्पनिक प्रश्न है सुनील भाई, तो समय बताओगा। ठीक है सर, दो एक मिनट और। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden by JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।